आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्र जैसे जैसे हमने अब पहले भी हम आपसे मिले, काफ़ी ऐसी बातचीत हुई है और आपकी प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सही मार्ग सबको दिखाती है। जी। तो इसी पे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछना चाहूँगी, इस बार का बिग बॉस 17 आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि लास्ट टाइम आपने जो प्रिडिक्ट किया था वही सब चीज़ वैसे की वैसे ही हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे आपको ओवरऑल बिग बॉस 17 इस बार किस तरीके का गेम लग रहा है? सबसे पहले दिल की गहराइयों से आप सबको बहुत सारा आभार, बहुत सारा प्यार कि जो है पिछली बार भी आपने मीडिया कवरेज किया था मेरे साथ में और अभी भी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, 17 का जोड़ होता है 8। इस वर्ष का जो जोड़ हो रहा है वो भी 8 हो रहा है, शनि जी का वर्ष है। और शनि जी विजेता किसको बनाते हैं? आप पावर से विजेता नहीं बनने वाले हैं, पद से प्रतिष्ठा से विजेता आप नहीं बनते हैं, विजेता बनते हैं अपने कर्म से। और हम शनि जी क्या बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। आप किस प्रकार के कर्म करते हैं उस प्रकार के फल की प्राप्ति आपको कराते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किया है तो आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा पावर मिलने वाली है। आपने छल से, प्रपंच से, कपट से कोई कर्म किया है तो आपके जीवन में सफलता में रुकावट का योग बनता है। जैसा कि हमारे जो दर्शक हैं जो हमको प्यार करें और आपके माध्यम से इतने सारे लोगों ने प्रश्न किया है और जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है सब बहुत चिंतित हैं कि कौन जीतने वाला है। अभिषेक जी को बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, मुनावर जी को बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, अंकिता जी को बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, मनारा जी को बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, और इस समय अरुण जी भी है, उनको भी बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। इन पांचों लोगों का जो हमने विश्लेषण किया है, अभिषेक जी की पत्रिका में सुबह से ही बहुत सारे लोगों को बता चुका हूँ कि उनके ग्रह बल बहुत उछाल, मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ उन्होंने किया है जो उनकी पत्रिका का, और उनकी पत्रिका के आधार पर हम देखते हैं तो फेम योग बना है। तो फेम योग तो क्या होता है कि उनको जो नाम जो पहले लोग जानते थे उससे 10,000 गुना ज्यादा लोग उनको जानना चालू कर दिए। सहानुभूति उनके प्रति लोगों की बहुत सारी है और उनको बहुत सारे लोग प्यार भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा योग उनके लिए भी है पत्रिका के आधार पर। दूसरा आता है अंकिता लोखंडे जी का, तो उन्होंने हर घर के अंदर उन्होंने एक सम्मान अपना पाया और उनको देश की बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे जो उनकी लाइफ में कार्मिक कनेक्शन है या बहुत सारे जो ऊपर नीचे चीज उनके लिए रही है उनके लिए भी लोगों की बहुत सहानुभूति है और लोग उनको बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं और पहले से भी लोग उनको बहुत पसंद करते थे। तीसरा नाम आता है मुनव्वर जी का, तो मैंने जैसा कि पहले कोई उनका शो हुआ था उस समय भी एक इंटरव्यू गया था तो मैंने इनको बताया था कि इस बच्चे का जो ऑरा देख रहा हूँ इसकी पत्रिका के आधार पर इसको बहुत बड़ा फेम मिल रहा है और इंटरनेशनल कुछ फेम इसको बच्चे को मिल सकता है उनकी पत्रिका के आधार पर। बीच में और उनको सलाह भी दिया था कि छल कपट प्रपंच मत रखिएगा जिससे कि आपका ग्रह बल कमजोर होगा और आपके सहकर्मी आपसे आगे जंप करके आगे निकल जाएंगे। तो अभी वैसा ही हुआ जो उनकी लाइफ में एक जर्नी में थोड़ा रुकावट का योग बना, क्योंकि जब हमें फेम मिलता है हम बहुत बड़े नाम बना लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को कहते हैं इंसान खुद खुदा था, उसकी ख्वाहिशों ने उसको बंदा बना दिया। तो हम इतने महान थे और फिर भी हमने कुछ ऐसे आचरण के द्वारा जो ग्रह बल है वो कोई धर्म संप्रदाय का मतलब इसमें नहीं है, हम अपने कर्म, क्योंकि हमने शुरुआत कहाँ से किया, शनि जी से, तो शनि जी कर्म में विश्वास रखते हैं। तो जो उनका थोड़ा सा डैमेज हुआ लेकिन अभी 6.5 से 7 साल का समय मुनव्वर का बहुत अच्छा है, तो इनका भी अच्छा योग बन रहा है ज्योतिष के आधार पर। परसेंटेज में हमने बोला 94% जो ग्रह बल जा रहा है मुनव्वर का बहुत अच्छा है, 93.9% उस दिन का गोचर ऊपर नीचे हो सकता है और 93.78 के आसपास में अंकिता जी का चल रहा है। तो इन तीनों में से ही कोई विजेता बनेगा क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है, अगर 2% भी ग्रह बल मजबूत हो गया तो इनमें तीनों में से जो है बहुत स्ट्रोंग जो हम देख रहे हैं इन तीनों में से ही कोई विजेता बन सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको और आपके माध्यम से समझाना चाहता हूँ, उस बच्चे के लिए मेरे भी मन में पता नहीं जो उसकी पत्रिका का एनालिसिस किया है कि 71% का व्यक्ति अगर 93.9 पे पहुंच गया है तो उसका अचीवमेंट सच में अचीवमेंट उसको बोला जाता है। और मुझे लगता है कि अभिषेक के काफी और मुनव्वर के भी बहुत अच्छे चांसेस है कि इनकी लाइफ में इनको ये जो विशेष सम्मान इनको प्राप्त हो सकता है।
जी बिल्कुल पंडित जी, आचार्य जी सॉरी, जैसे मैंने कहा, जैसे अभी अंकिता हो गए, मुनव्वर हो गए, ये अभिषेक हो गए, ये सब एक टीवी इंडस्ट्री से कहीं कहीं जुड़े हुए हैं। जी बात करूँ अरुण जी की, तो अरुण कोई दूसरे प्लेटफॉर्म से आके सब, क्योंकि काफ़ी लोग यूट्यूब के भी थे बट अरुण ही बचे हैं, तो उन पे उनका क्या दिखता है, मतलब उनका, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप 5 में आ चुके हैं, उनके भी फैन फॉलोइंग बहुत है, बहुत है तो जी। देखिए उनका क्या एनालाइज किया है आपने? अरुण जी का जो हम अभी तक, एक तो मेरे को डिटेल्स में उनकी नहीं मिली, लेकिन अरुण जी के जो मैं नाम के आधार पर जो उनके हमने ग्रह बल को देखा है, उन्होंने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा करेंगे, उसमें संशय की बात नहीं है। लेकिन जो मेरी छोटी सी कैलकुलेशन है उसके आधार पर टॉप 3 से 4 तक तो आ सकते हैं, लेकिन टॉप 3 में मैं उनको नहीं देख पा रहा। जी अंकिता जी की बात करो तो अंकिता जी जब घर में आई थी, वो एक रिश्ता लेके आई थी जी उनके जी हस्बैंड के साथ, जी जी तो काफ़ी ऐसे उतार चढ़ाव, बिग बॉस तक जो हम देख रहे हैं उनका जो भी रिश्ता अंदर गेम में जो दिख रहा है, तो उनका रिश्ता आपको क्या लगता है कि वो बिग बॉस के गेम के लिए था, क्योंकि वो काफ़ी इमोशनली ड्रेन होते हुए हमें नज़र आई है, काफ़ी रोते हुए नज़र आई है, कोई कोई लोग, उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे शो में वो रो ही रही है रिश्ते को लेके, काफ़ी इनसिक्योर रहती है अंकिता जी, तो उनके बारे में मतलब अगर देखा जाए ओवरऑल पर्सनैलिटी तो क्या कहेंगे आप? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो लोग रोए हैं इसमें रिश्तों के लेके, एक तो अभिषेक भी बहुत जी रोए हैं। अभिषेक अब देखिए सनी जी ने कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है, एक व्यक्ति टॉप पे है, मैं उसका नाम आपको हिंट दे दिया है, लेकिन हम किसी को विजेता नहीं घोषित कर सकते क्योंकि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं अपनी जो कैलकुलेशन उसके आधार पर बता रहा हूँ। लेकिन सनी जी ने दोनों रोने वाले व्यक्ति को लाके वहीं पर कंपटीशन में खड़ा कर दिया है। अंकिता जी के लिए जब बात होती है तो अंकिता जी की जो कुंडली हमें आप सबके माध्यम से जो डिटेल्स मिली है उसके आधार पर मैं अंकिता जी के लिए बताना चाहता हूँ, बहुत ही पीड़ित रही हैं, बहुत घायल रही हैं, बहुत उनकी जो लाइफ की जर्नी रही है उनको बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, और इस सब चीज को विक्की जी जानते थे कि वो व्यक्ति इमोशनल है या कई बार उनको एंजाइटी डिप्रेशन का युग उनके जीवन में आ रहा है, तो उस कारण को उनको सबसे अच्छे से उनको मैनेज कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। जिस चीज से उनको परेशानी होती थी वही चीज उनकी लाइफ में बार बार आता था, तो उससे और वो टूट गई और उनका जो गेम था थोड़ा सा लो हो गया, नहीं तो 100% वो विजेता थे, उनको कोई रोक नहीं सकता था, उनको जी लोग बहुत पसंद करते हैं। अभी जो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन में जो ज्योतिष के प्रभाव से हम उनकी जो तीनों की पत्रिका देख रहे हैं, तीनों में बहुत टफ कंपटीशन है, और तीनों में जो देख रहे हैं तीनों एक दूसरे के कंपटीटर, बहुत टॉप लेवल के कंपटीटर है, तो बेहतर है कि अंकिता को अभी जो हो चुका है उस पर छोड़ देना चाहिए। और मैं अंकिता के लिए जो अंकिता की पत्रिका को हमने देखा है कि तो ग्रहण दोष का उनको निदान करना चाहिए, मंगल को बहुत अच्छा करना चाहिए, चंद्रमा को बैलेंस करना चाहिए, और दूसरी चीज जो चंद्रमा का एक मैसेज है मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा वेद में कहा गया कि चंद्रमा मन सो जाता जब छो सूर्यो न जाता, जब तक आपका मन नहीं ठीक होगा किसी व्यक्ति को आप उत्तम दृष्टि से देख नहीं सकते हैं। आप मन से चंद्रमा से घायल हैं तो अगर कोई आदमी कितना भरोसा भी आपको दिलाएगा आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे आपका मन में, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसी चीजें पता नहीं क्या रही, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो आपकी पत्रिका को हमने देखा और आधार बनाकर हम आपके ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, आपको ट्रस्ट करना बहुत आवश्यक है। आपके जो चंद्रमा को अगर आप बैलेंस कर लेंगे तो आप देखेंगे आपके जो पद प्रतिष्ठा सम्मान, चंद्रमा मनुष्य हो जाता है जब आप चंद्रमा को बैलेंस करेंगे तो सूर्य आपको सम्मान दिला देगा। तो अभी भी जो आपकी जर्नी रुकी हुई है छोटा जाके, सम्मान योग आपकी पत्रिका में है, लेकिन जो चंद्रमा आपका बैलेंस हो गया अभी 2-3 दिन 4 दिन जो भी शो बचा है, पुरानी सारी चीजों को हटा करके अगर अपने मन को एकाग्र करके मन को ठीक करके आगे आप जाती हैं तो सूर्य देव आपको सम्मान दिला सकते हैं। जी बिल्कुल। बात करूँ अभिषेक की, तो अभिषेक के भी कहीं कहीं हमने ऐसा देखा है कि काफ़ी गुस्सैल नेचर के हैं वो, है जी गुस्सा करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जो जी भी उनकी गर्लफ्रेंड रही ईशा नाम की वो भी थी अंदर, तो उन्होंने भी काफ़ी उनको मतलब वीक कर दिया, क्योंकि उनके साथ एक रिश्ता था गेम में, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़े, अभी वो एकदम टॉप 5 में आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है अभिषेक का बिग बॉस के बाद, क्योंकि जब बिग बॉस तक तो वो विजेता ठीक है, बट उसके बाद करियर को एक पड़ाव में लेके जाना, कितना वो सक्सेस हो नहीं पाएगा? नहीं 100% करियर उनका बहुत अच्छा है, और 5.5 साल आप नोट कर लीजिएगा, 5.5 साल तक वो अच्छे करियर
काम करने जा रहे हैं 5.5 साल में, उनको बहुत ही विस्तार होगा, बहुत नाम उनका बढ़ता चला जाएगा। दूसरा, जो उनके गुस्से की बात करता हूँ, उनके माता पिता या उनके जो प्रशंसक सुन रहे हैं, उनकी पत्रिका में अंगारक दोष है, उस पर उनको वर्क करना चाहिए। तीसरा, ईशा भी बहुत अच्छी बच्ची है और लाइफ में कुछ ना कुछ समस्याएं रहती है, तभी आदमी आगे निकलता है। किसी रिश्तों को इतने स्वीट से, इतने प्यारे से रिश्ते से वो बाहर निकली है, तो कुछ ना कुछ तो बड़ी परेशानी 100% रही होगी। उस पर हम अभी कोई विश्लेषण नहीं करना चाहेंगे जब तक इन दोनों को हम नहीं मिल लेते हैं, और हम मिल लेंगे तो हम जरूर इस पर आपको आगे चर्चा करेंगे। और रही बात ये कि जो ईशा ने उनको वीक किया, मैंने आपको शुरुआत में बोला कि कर्म के आधार पर ही व्यक्ति की जर्नी यहाँ तक हुई है। अगर आज जो देखते हैं तो अंकिता की भी इनसिक्योरिटी रही और वो अभिषेक रिश्तों के लिए रोता रहा और रिश्तों के लिए खड़ा रहा, ये दोनों चीजें आप देखिएगा। जब ईशा जाने लगी तो भी वो रोने लगा। ये कर्म है। आदमी एक 70% व्यक्ति को अगर मैं उसको जीतने की ओर लेके जा रहा हूँ, और मेरी जो कैलकुलेशन है छोटी सी बुद्धि के अनुसार, कि जो 70% उसके अंक शास्त्र से उसको जो परसेंटेज था, 70% से उसको जीतने 94 के आगे लेके जा रहा हूँ, जो 94 पे एक व्यक्ति रुका हुआ है उसको 94 के आगे लेके जा रहा हूँ, तो उसका जो कर्म है उसके कर्म से वो व्यक्ति आगे जा रहा है। तो ईशा ने उनको मतलब वो ऐसा कर्म क्रिएट होता चला गया, शनि जी ने ऐसा कर्म क्रिएट करा दिया कि उनको सम्मान दिला दिया। तो लास्टली टॉप 3 तो आपने कहा है मुनव्वर, अंकिता और अभिषेक। मुनव्वर के बारे में बात करें तो उनकी भी चीज़ें ऐसी ही रही कि लड़कियों के इर्द गिर्द रही है, जैसे उनकी एक्स गर्लफ्रेंड आई, फिर बाहर जो थी, जो भी उनका पहले का रिश्ता है 2-3 के साथ, फिर काफ़ी उनको घर के अंदर लड़कियों के मतलब कैरेक्टर पे बहुत सवाल उठाया गया। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ ये है कि उनके फैंस इतने हैं कि अनलिमिटेड सपोर्ट उनको ज़रूर आया है। तो मुनव्वर के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि जैसे कि आपने कहा इंटरनेशनली वो कहीं ना कहीं जा सकते हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि मुनव्वर सही रास्ते पे है, जिस हिसाब से वो अपना गेम लेके जा रहे हैं, और बिग बॉस के घर के बाहर भी उनका आगे जो भी करियर पाथ है एकदम क्लियर हो सकता है, सही रास्ते पे जा सकते हैं? देखिए बच्चे, बहुत उत्तम प्रश्न किया, और इसमें मेरा अपना छोटा सा ओपिनियन है उस पर। तो ग्रह तो उनका बहुत अच्छा है इस समय, जो स्टार्स उनके हैं अभी 6.5 से 7 साल का मुनव्वर का बहुत अच्छा टाइम है, और उसमें इनको इंटरनेशनल फेम मिल सकता है, तो उनपे उस पर थोड़ा उनको ठीक करना है। लेकिन पब्लिक है, सब जानती है। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, अगर आप अपने फैमिली में जैसे किसी को बहुत प्यार करते हो और नाराज हो गए, तो उसको आप बदनामी दे देंगे क्या? कोई आदमी किसी को प्यार करता हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड का हो, कभी तो आपने प्यार किया था ना, कभी तो उन्होंने प्यार आपको किया था। तो जो पब्लिक के बीच में गए और उसको उन्होंने बैलेंस करने की भी चेष्टा किया, हर आदमी में पॉजिटिव और निगेटिव सारी चीज़ें होती है। आदमी क्या होता है, ये जो इंडस्ट्री है इसमें क्या होता है कि वो बेहतर ढूंढने के चक्कर मिस्टेक हो गया, कि एक को डेट कर रहे थे, सोचे हो सकता है इनसे बेहतर ये है, मैरिज तो उनको करना है नहीं करना वो उनको पता है, लेकिन वो बेहतर ढूंढने के चक्कर में वो मिस्टेक हो गया, उसी मिस्टेक में वो फंस गए, और उसके लिए वो माफ़ी मांगते रहे। अगर माफ़ी ना मांगते या उनसे लड़ाई करते, एग्रेशन दिखाते या बुरा करते या बुरा बोलते, तो बुरे बन जाते हैं। लेकिन शनि जी भी कहते हैं, या जो स्टार्स, हम क्योंकि ज्योतिषी है उसके आधार पर बोल रहा हूँ, कि कोई मिस्टेक आपसे हो गई और आप उसको माफ़ी मांग रहे हैं, उसके बाद भी कोई आपको जलील करने की कोशिश कर रहा है, तो जो ग्रह बल होता है आपको सपोर्ट कर देता है, सामने वाले को नुकसान पहुँचा देता है। मुनव्वर के लिए एक चीज़ है कि जब वो शो से निकले तो अपनी लाइफ में थोड़ा सीरियस हो, खास करके 5th हाउस जहाँ से रिलेशनशिप को देखते हो, उसके लिए जो भी रिश्ता आप लाइफ में रखना चाहते हैं एकदम सीरियस होकर अगर रिश्ते को आप लेके जाते हैं चलते हैं, क्योंकि अकेले आप नहीं चल पाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपको किसी ना किसी की सहायता तो 100% चाहिए। तो काम में आप देखिए कि अभी तक की जर्नी में कौन सबसे ज़्यादा वफादार रहा, या कौन आपकी लाइफ में नया व्यक्ति आ रहा है, तो उसके साथ अगर आप दिल से बढ़ते हैं, दिल से चलते हैं, तो आपकी जो सफलता है वो दिन प्रतिदिन और बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर आपका 5th हाउस पीड़ित हो गया, तो आपके ऊपर कोई एलिगेशन के कारण कोई केस भी हो सकता है, तो उसको आपको बहुत सावधानी पूर्वक उसको लेकर चलना होगा, ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बन जाए। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपसे बातचीत करके आपका एक गाइडेंस जब इंसान को मिलता है तो सही क्या गलत क्या वो तो पता चल ही जाता है। जैसे हमने पहले भी आपसे चर्चा किया था, टीवी को आप मतलब प्रेडिक्ट करते हैं, बॉलीवुड में प्रेडिक्ट करते हैं, आज ही के दिन फाइटर मूवी रिलीज हुई है ऋतिक रोशन, और आपसे जब मैंने पहले बात किया था तब आपने बॉलीवुड में एक
स्पीड आएगा, एक जी अलग चेंजेस आएगी, जी उस पर क्या कहना है? और काफी लोग मूवी भी पसंद कर रहे हैं, अभी आज ही मैं उस चीज का मतलब इंटरव्यू भी लेके जी आई हूँ, तो जी आप क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री में? मैं पिछले साल अगस्त के महीने से बोला था कि इंडस्ट्री का जो समय है वो धीरे धीरे अच्छा स्टार्ट हो रहा है, और अभी दिन प्रतिदिन अब देखिएगा कि जो बॉलीवुड की 10 मूवी बनती थी, 10 में से अगर एक हिट होती थी, नाइन नाइन फ्लॉप हो जाती थी, तो अब धीरे धीरे देखेंगे परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। और ऋतिक रोशन जी का हमने जो बर्थडे फोरकास्ट किया था उस पर भी बोला था कि ऋतिक जी के लिए अच्छा समय प्रारंभ हो रहा है, उनके जो इमोशनली बहुत डिसबैलेंस था, उनके ग्रह बल बहुत कमजोर थे, वह समय उनका समाप्त हो चुका है, और 14 जनवरी से जो ऋतिक रोशन जी का समय स्टार्ट हुआ है बहुत बेहतरीन है, और आप देखिएगा ये मूवी सुपरहिट रहेगी। मेरे दिल से शुभकामना भी है सभी टीम को और आपकी सभी टीम को कि जो इतने अच्छे कार्य करते रहते हैं, इतने सारे प्रश्न पूछते रहते हैं, इतने सारे लोगों की भलाई के लिए प्रश्न पूछते रहते हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आचार्य जी, एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जी जैसे आपने इंटरव्यू की शुरुआत से ही शनि का नाम लिया, जैसे आपने जी ये साल का जोड़ 8 बताया, जी तो एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी, जैसे जो बुरा करता है जी उनके साथ बुरा होता है, जो उनका कर्म रहेगा वो उनको कर्म उनको रिटर्न मिलेगा, लेकिन जो अच्छा कर्म करते हैं फिर भी उनके साथ बुरा होता है, जी ऐसे काफी इंडस्ट्री में भी होता है, जो अच्छे कर्म करते हैं फिर भी उनका जो करियर पाथ है कहीं ना कहीं से डिफिकल्टीज आती रहती है, तो मैं ये जी पूछना चाहूंगी शनि जी से सबको डरना चाहिए या मतलब नहीं डरना चाहिए कि सिर्फ कर्म के हिसाब से आपको फल मिलेगा जो आपने पिछले कर्म किए हैं? बहुत उत्तम प्रश्न है। आप अपने क्लास में जब पढ़ने जाते थे या 10वीं में या 5वीं में पढ़ते होंगे तो कोई टीचर आपका बहुत कठोर रहता था और आपको डर लगता था अगर इसका हमने होमवर्क नहीं पूरा किया तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन जब आप उसका होमवर्क पूरा करके रखते थे तो आपको डर लगता था क्या? तो जो शनि जी भी हमारे एक ऐसे टीचर है, अगर हमने सही कर्म किया है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके आपको अगर कोई डिफेम कर रहा है वो खुद डिफेम हो जाएगा, आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है खुद उसका नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कर्म अच्छा नहीं किया है तो आपको फिर डरने की आवश्यकता है, कुछ भी परेशानी आपके जीवन में आ सकती है। शनिदेव जी फ्री नहीं बैठे हैं कि सबको आके परेशान देंगे, सबको नुकसान पहुंचा देंगे। शनिदेव जी कहते हैं कर्म करिए, और कर्म में भी आपके शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अपने शरीर के द्वारा धर्म करिए। धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ माई। आपके शरीर के माध्यम से अगर किसी का हित हो रहा है, किसी का अच्छा हो रहा है, यही धर्म है। आपके शरीर के माध्यम से किसी का बुरा हो रहा है, यही अधर्म है। अगर इसको आप ध्यान रखते हैं तो विश्वास मानिए शनिदेव जी आपको कभी पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन इसको आप इग्नोर करते हैं तो शनि जी का जब मौका आएगा आपकी बैंड बजा देंगे। तो बेहतर है कि अपने माता पिता का सम्मान करिए, अपने रिश्तों का सम्मान करिए, आपके जो भी रिश्ते हैं रिलेशनशिप है उसका सम्मान करिए, ताकि जीवन में आपको शनि जी बहुत अच्छा योग बना दें। अब आप समझिएगा, मैं उदाहरण दीपोत्सव चल रहा है, जी मुझसे बहुत सारे प्रश्न किया, थोड़ा सा डिफेम भी दिया ईशा को, क्यों दिया? कर्म है। अगर कुछ भी इमोशंस रहा या कुछ भी रोया गया तो एक इंसानियत के नाते आप उसको सपोर्ट कर देते, उसको इतना टॉर्चर कर दिया कि जो एक अति थी, एक अति होती है ना, अति जब पार हो गई तो शनि जी ने क्या किया, सामने वाले को डिफेम कर दिया रातों रात, और सामने वाले को स्टार बना दिया। तो ग्रह क्या है, शनि जी क्या है कि अगर आपके साथ इतना अन्याय हो रहा है, देखते रहेंगे बहुत अन्याय हो गया, तो आपको फेम दे देंगे, सामने वाले को डिफेम कर देंगे, यही है शनि जी की माया। तो शनि जी किसी का बुरा नहीं करते, बस न्याय करते हैं कि आपके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो आके आपके लिए खड़े हो जाते हैं। आचार्य जी, एक लास्ट मैसेज सबके लिए जो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, या कुछ ऐसे मैसेज देना चाहेंगे जो सही मार्ग पे रहे? जी देखिए, सबसे पहले तो आप अपने लाइफ का मिशन जो है अपनी लाइफ में रखिए कि आपको करना क्या है। आपको अगर अपनी यात्रा ही नहीं पता होगा कि आपको करना क्या है, जाना कहाँ चाहते हैं, तो आप कंफ्यूजन अपनी लाइफ से हटाइए। अपनी लाइफ में आप अपने मिशन, अपने गोल को निर्धारित करेंगे कि आपको इस साल में ये करना है, पहला ये आपके लिए है। और दूसरा, संस्कार अपने जीवन से कभी विहीन मत होने दीजिए। धर्म सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, इंसानियत के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, अपनी आत्मा के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए आपका क्या काम कर रहे हैं, अपने राष्ट्र के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, अगर इसको ध्यान रखते हैं तो विश्वास मानिए आपके जीवन में सफलता के द्वार खुलते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय माता दी। लो हो गया हूँ, पानी पी के। हाँ कट कर दो, सॉरी भैया, पिया नहीं क्या? मैं तो हाथ ऐसे